बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1। द फॉलोइंग डाटा डिस्प्लेज द नंबर ऑफ ड्रास ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बॉन्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया हुआ है मुद्दा जैल मवाद जाहिर कर रहा है मुख्तलिफ मालियत के बॉन्ड्स की कुरंदाजी की तादाद को। अब यहाँ पे जितने भी वैल्यूज़ गिवन हैं ये मुख्तलिफ मालियत के बॉन्ड्स की कुरंदाजी की तादाद को जाहिर कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने बनाना है कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द अबव डाटा विद 7 क्लासेस ऑफ इक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल 10। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल है 10, नंबर ऑफ क्लासेस हैं यहाँ पे 7। यहाँ पे ये नंबर ऑफ क्लासेस हैं और क्लास इंटरवल है 10। यहाँ पे इस डाटा को यूज करके इस डाटा की हमने यहाँ पे बनानी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो है 99 और स्मॉलेस्ट वैल्यू है 35। नंबर ऑफ क्लासेस हैं 7, क्लास इंटरवल है 10। एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे गिवन डाटा जो इन्फॉर्मेशन में गिवन है उसको सबसे पहले राइट करेंगे। क्लास इंटरवल स्टेटमेंट में बताया हुआ है, क्लास इंटरवल है 10। नंबर ऑफ क्लासेस स्टेटमेंट में बताए हुए हैं 7। लार्जेस्ट वैल्यू है 99, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 35। अब यहाँ पे मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बता देती हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस हैं 7, क्लास इंटरवल है 10, लार्जेस्ट वैल्यू है 99, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 35। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन राइट करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे राइट करना है क्लास लिमिट्स, उसके बाद यहाँ पे राइट करेंगे टेलीमार्क्स, उसके बाद यहाँ पे राइट करेंगे फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि सी एफ। क्लास लिमिट में सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 35, यहाँ पे राइट करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 35। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है 10, 35 से लेके आपने 10 नंबर तक काउंट करना है यानी कि 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। अब यहाँ पे 10 नंबर तक नंबर आया है 44, 35 से लेके 10 नंबर तक आपने काउंट करना है, तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर आएगा 44। 35 से लेके 44 तक जो क्लास इंटरवल है ये है 10। 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, तो यहाँ पे क्लास इंटरवल है 10। यहाँ पे स्टेटमेंट में बताया हुआ था क्लास इंटरवल है 10, तो यहाँ पे क्लास इंटरवल होना चाहिए 10। अब यहाँ पे 44 से नेक्स्ट राइट करेंगे 45, 45 से आपने स्टार्ट करना है, 10 नंबर तक आपने काउंट करते हुए नेक्स्ट नंबर यहाँ पे राइट करना है 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54। यहाँ पे राइट करेंगे 54, 45 और 54 यहाँ पे क्लास इंटरवल है 10। 54 से नेक्स्ट यहाँ पे राइट करेंगे 55, 55 से काउंट करते हुए 10 नंबर तक यहाँ पे नेक्स्ट नंबर यहाँ पे राइट करेंगे, तो यहाँ पे नंबर आएगा 64। 64 से नेक्स्ट है 65, 65 से स्टार्ट करते हुए 10 नंबर तक आपने काउंट करना है और यहाँ पे नंबर राइट करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 74। 74 से नेक्स्ट यहाँ पे राइट करेंगे 75, 75 से स्टार्ट करते हुए 10 नंबर तक आपने काउंट करना है और यहाँ पे नेक्स्ट नंबर राइट करेंगे 84। 84 से नेक्स्ट यहाँ पे राइट करेंगे 85, 85 से स्टार्ट करते हुए 10 नंबर तक काउंट करते हुए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी राइट करेंगे 94, 94 से नेक्स्ट है 95। अब यहाँ पे जो लार्जेस्ट वैल्यू थी, लार्जेस्ट वैल्यू है 99, आपने 99 तक ये नंबर्स राइट करते जाना है। अब यहाँ पे देखें 95, 95 से स्टार्ट करते हुए
आपने 10 नंबर तक काउंट करते हुए यहाँ पे नंबर्स को राइट करना है। तो यहाँ पे 95 से स्टार्ट करते हुए 10 नंबर तक काउंट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 104। अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नंबर ऑफ क्लासेस स्टेटमेंट में बताई हुई थी 7, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पे टैली मार्क्स करेंगे। टैली मार्क्स हमने बुक पे जो वैल्यू गिवन है, जो डाटा गिवन है, उससे हमने फाइंड आउट करना है कि 35 से लेके 44 तक कितने नंबर्स मौजूद हैं, उतनी यहाँ पे लाइंस ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे ये जो डाटा गिवन है, इस डाटा में से हमने ढूंढने हैं वो नंबर्स 35 से लेके 44 तक कितने नंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं, उतनी लाइंस टैली मार्क्स में ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जितना भी डाटा गिवन था बुक पे, उसको मैंने अरेंज करके राइट किया है ताकि नंबर ढूंढने में आसानी रहे। तो यहाँ पे ये जितने भी नंबर्स थे, इनको मैंने सीक्वेंस वाइज अरेंज करके यहाँ पे वो तमाम नंबर्स राइट किए हैं। यहाँ पे इनकी टोटल तादाद है 40। अब यहाँ पे 35 से लेके 44 तक हम यहाँ पे नंबर्स देखेंगे कि कितने नंबर्स हैं। तो यहाँ पे देखें 1, 2, 3, यहाँ पे ये 3 नंबर्स हैं। यहाँ से 35 से लेके 44 तक आपने ये नंबर्स देखने हैं। अगर आप तमाम डाटा इस तरह सीक्वेंस वाइज अरेंज करके राइट कर लेंगे तो आप इजीली तमाम नंबर्स यहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे 35 से लेके 44 तक ये 3 नंबर्स हैं, 1, 2, 3। तो यहाँ पे टैली मार्क्स में हमने यहाँ पे 3 लाइन्स ड्रा करनी है, और फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे अगर 3 लाइन्स हैं तो फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे 3। अब यहाँ पे 45 से लेके 54 तक नंबर्स यहाँ पे ढूंढेंगे कितने नंबर्स हैं। यहाँ पे हैं 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 नंबर्स हैं। 47 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, टैली मार्क्स में 5 लाइंस ड्रा करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे 5। अब यहाँ पे 55 से लेके 64 तक नंबर ढूंढेंगे कि यहाँ पे कितने नंबर्स हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे 8 नंबर्स हैं। तो यहाँ पे 8 लाइंस ड्रा करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे 8। अब यहाँ पे 65 से लेके 74 तक नंबर यहाँ से देखेंगे कितने नंबर्स हैं। यहाँ पे नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे 9 नंबर्स हैं। तो 9 लाइंस ड्रा करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे राइट करेंगे 9। 75 से लेके 84 तक नंबर यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 6 नंबर्स हैं। तो यहाँ पे 6 लाइंस ड्रा करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे राइट करेंगे फ्रीक्वेंसी में 6। 85 से लेके 94 तक यहाँ पे नंबर्स देखेंगे। अब यहाँ पे है 85 से 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लाइंस ड्रा करेंगे 5, 1, 2, 3, 4, 5, फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे 5। 95 से लेके 104 तक यहाँ पे नंबर्स देखेंगे, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे 4 लाइंस ड्रा करेंगे, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे राइट करेंगे 4। अब यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल फाइंड आउट करना है। यहाँ पे इन तमाम नंबर्स की टोटल जो तादाद है वो है 40। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होनी चाहिए 40। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे टोटल है 40। यहाँ पे स्टेटमेंट में जितना भी डाटा गिवन था उनकी तादाद थी 40। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का अगर टोटल हो 40 तो इट्स मीन यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे CF फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे नंबर राइट है 3, यहाँ पे राइट करेंगे 3। अब यहाँ पे नंबर राइट है 5, 5 में ऐड करेंगे 3, ऊपर वाली वैल्यू आपने ऐड करनी है। 5 में 3 ऐड करेंगे 8, यहाँ पे नंबर राइट है 8,
एट में ये एट ऐड करेंगे, आपने ऊपर वाली वैल्यू ऐड करते जाना है। एट में एट ऐड करेंगे सिक्सटीन, अब यहाँ से राइट करेंगे नाइन, नाइन में ऐड करेंगे सिक्सटीन, नाइन में सिक्सटीन ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी ट्वेंटी फाइव, अब यहाँ से राइट करेंगे सिक्स, सिक्स में ऐड करेंगे ट्वेंटी फाइव तो वैल्यू आएगी थर्टी वन, अब यहाँ से राइट करेंगे फाइव, फाइव में ऐड करेंगे थर्टी वन तो वैल्यू आएगी थर्टी सिक्स, यहाँ से राइट करेंगे फोर, फोर में ऐड करेंगे थर्टी सिक्स तो यहाँ पे वैल्यू आएगी फोर्टी। अब यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी भी फोर्टी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फोर्टी है, इट्स मीन क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर टू, लिस्टेड बिलो आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय 50 हाउस होल्ड इन अ लो इनकम ग्रुप इन अ लोकेलिटी ऑफ लाहौर। क्वेश्चन नंबर टू में बताया हुआ है लाहौर के एक कम आमदनी वाले 50 घरेलू सार्फीन के बिजली के इस्तेमाल शुदा यूनिट्स की तादाद नीचे दी गई है। यहाँ पे ये तादाद है उन यूनिट्स की। अब यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट करना है विथ 12 क्लाजेज ऑफ इक्वल विड्थ ऑफ 10, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम्ड। अब यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम्ड किए गए हैं उसका फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कंस्ट्रक्ट करना है। क्लास इंटरवल गिवन है 10, नंबर ऑफ क्लासेस हैं 12, लार्जेस्ट वैल्यू है 155, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 45। क्वेश्चन नंबर टू सॉल्यूशन, अब यहाँ पे सबसे पहले गिवन डाटा राइट करेंगे। क्लास इंटरवल स्टेटमेंट में बताया हुआ है 10 है, नंबर ऑफ क्लासेस स्टेटमेंट में बताए हुए हैं 12, लार्जेस्ट वैल्यू है 155, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 45। अब यहाँ पे टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, सबसे पहले राइट करेंगे क्लास लिमिट्स, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे क्लास लिमिट में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो कि स्टेटमेंट में बताई हुई थी वो है 45। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल है 10, 45 से आपने स्टार्ट करना है, 10 तक काउंट करते हुए वैल्यू राइट करेंगे। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल लेना है हमने 10, 45 से स्टार्ट करेंगे, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 10 नंबर तक आप काउंट करते जाएंगे तो यहाँ पे नंबर आएगा 54। 45 से स्टार्ट करेंगे, 10 नंबर तक काउंट करते हुए यहाँ पे वैल्यू आएगी 54। 54 से नेक्स्ट नंबर यहाँ पे राइट करेंगे 55। अब यहाँ पे नेक्स्ट राइट करेंगे 55, 55 से स्टार्ट करते हुए 10 नंबर तक काउंट करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट नंबर आएगा 64। 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 10 नंबर तक आपने काउंट करना है तो यहाँ पे क्लास इंटरवल होना चाहिए 10, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 64। 64 से नेक्स्ट नंबर राइट करेंगे 65, 10 नंबर तक काउंट करते हुए क्लास इंटरवल लेंगे 10, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 74। 74 से नेक्स्ट राइट करेंगे 75, 75 से स्टार्ट करते हुए क्लास इंटरवल 10 लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 84। 84 से नेक्स्ट राइट करेंगे 85, 85 से स्टार्ट करते हुए 10 नंबर तक काउंट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 94। 94 से नेक्स्ट राइट करेंगे 95, 95 से स्टार्ट करते हुए नेक्स्ट 10 नंबर तक काउंट करेंगे तो वैल्यू आएगी 104। 104 से नेक्स्ट यहाँ पे राइट करेंगे 105, 105 से स्टार्ट करते हुए 10 नंबर तक काउंट करते हुए यहाँ पे वैल्यू आएगी 114, 114 से नेक्स्ट राइट करेंगे 115, 115 से स्टार्ट करते हुए यहाँ पे वैल्यू आएगी 10 नंबर तक काउंट करते जाएंगे तो वैल्यू आएगी 124, 124 से नेक्स्ट है 125, 125 से स्टार्ट करते हुए यहाँ पे नेक्स्ट 10 तक काउंट करेंगे तो वैल्यू आएगी 134, यहाँ पे नेक्स्ट राइट करेंगे 135, 135 से स्टार्ट करते हुए 10 नंबर तक काउंट करते जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 144, 144 से नेक्स्ट है 145, 145 से
स्टार्ट करते हुए 10 नंबर तक काउंट करते जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 154। 154 से नेक्स्ट यहाँ पे राइट करेंगे 155। 155 से नेक्स्ट 10 नंबर तक काउंट करते जाएंगे तो वैल्यू आएगी 164। तो यहाँ पे ये 155 लार्जेस्ट वैल्यू थी। अब यहाँ पे देखें जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का जितना भी डाटा बुक पे गिवन था उसको मैंने अरेंज करके सीक्वेंस वाइज यहाँ पे राइट किया है। इनकी तादाद है 50। यहाँ पे टैली मार्क्स करेंगे, यहाँ पे नंबर सर्च करेंगे, ढूंढेंगे कि 45 से लेके 54 तक कितने नंबर्स हैं। तो यहाँ पे 45 से लेके 54 तक नंबर देखेंगे, 1, 2, 3, 4। टैली मार्क्स में उतनी लाइन्स ड्रा करेंगे, यहाँ पे 4 लाइन्स ड्रा करेंगे, फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे 4। 55 से लेके 64 तक नंबर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे 7 लाइन्स ड्रा करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे राइट करेंगे फ्रीक्वेंसी में 7। 65 से लेके 74 तक यहाँ पे नंबर देखेंगे, यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 लाइन्स ड्रा करेंगे, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे राइट करेंगे 4। 75 से लेके 84 तक नंबर यहाँ पे देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 लाइन्स यहाँ पे ड्रा करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे 7। अगर आप इस तरह ये तमाम नंबर सीक्वेंस वाइज राइट कर लेंगे तो आप इजीली ये तमाम नंबर्स ढूंढ सकते हैं। 85 से लेके 94 तक यहाँ पे नंबर देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे 6 लाइन्स ड्रा करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे 6। 95 से लेके 104 तक नंबर यहाँ पे देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ पे 10 लाइन्स ड्रा करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे 10 राइट करेंगे फ्रीक्वेंसी में। 105 से लेके 114 तक नंबर यहाँ पे देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे 5 लाइन्स ड्रा करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे राइट करेंगे 5। 115 से लेके 124 तक यहाँ पे नंबर देखेंगे, अब यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ पे लाइन्स ड्रा नहीं करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 0। 125 से लेके 134 तक यहाँ पे नंबर देखेंगे, 1, 2, 3, तो यहाँ पे 3 लाइन्स ड्रा करेंगे, 1, 2, 3, फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे 3। 135 से लेके 144 तक यहाँ पे नंबर देखेंगे, यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं तो यहाँ पे 2 लाइन्स ड्रा करेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे 2। 145 से लेके 154 तक नंबर देखेंगे, यहाँ पे जस्ट 1 नंबर है तो यहाँ पे 1 लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ पे राइट करेंगे 1। 155 से लेके 164 तक यहाँ पे जस्ट 1 नंबर है, 1 लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ पे राइट करेंगे 1। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, ऐड करके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल आया है 50। अब यहाँ पे CF फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे राइट है 4 तो यहाँ पे राइट करेंगे सबसे पहले 4। अब यहाँ पे राइट है 7, 7 में ऐड करेंगे 4, आपने ऊपर वाली वैल्यू को ऐड करना है। 7 में 4 ऐड करेंगे 11, यहाँ पे राइट करेंगे 4, 4 में ऐड करेंगे 11 तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 15, यहाँ से राइट करेंगे 7, 7 में ऐड करेंगे 15 तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 22, यहाँ से राइट करेंगे 6, 6 में ऐड करेंगे 22 तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 28, यहाँ से राइट करेंगे 10, 10 में ऐड करेंगे 28 तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 38, यहाँ पे राइट करेंगे 5, 5 में ऐड करेंगे 38 तो वैल्यू आएगी 43, यहाँ से राइट करेंगे 0, 0 में ऐड करेंगे 43 तो वैल्यू आएगी 43, यहाँ से राइट करेंगे 3, 3 में ऐड करेंगे 43
तो वैल्यू आएगी 46। यहाँ से राइट करेंगे 2, 2 में ऐड करेंगे 46 तो वैल्यू आएगी 48। यहाँ से राइट करेंगे 1, 1 में ऐड करेंगे 48 तो वैल्यू आएगी 49। यहाँ से राइट करेंगे 1, 1 में ऐड करेंगे 49 तो वैल्यू आएगी 50। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो डाटा क्वेश्चन में गिवन था उनकी टोटल तादाद थी 50, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी है 50 और यहाँ पे CF जो हमने ऐड करके वैल्यू फाइंड आउट की है वो है यहाँ पे लास्ट पे 50। इट्स मीन ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग लिस्ट इज ऑफ स्कोर्स इन अ मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन यूजिंग द स्टार्टिंग क्लास 40 to 44, सेट अप अ फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लिस्ट द क्लास बाउंड्रीज। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया हुआ है, ये जो मदरजा ज़ैल लिस्ट गिवन है ये है मैथ के एग्जामिनेशन के स्कोर की लिस्ट। यहाँ पे हमने इस्तेमाल करना है, स्टार्टिंग क्लास लेंगे 40 to 44 और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करेंगे और यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे क्लास बाउंड्रीज की। इस डाटा को यूज़ करते हुए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग क्लास लेनी है वो है 40 to 44। यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 40, लार्जेस्ट वैल्यू है 98। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन, स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे, स्टेटमेंट में गिवन है 40, लार्जेस्ट वैल्यू है 98। अब यहाँ पे क्लास साइज जो हमने स्टार्टिंग क्लास राइट करनी है, स्टेटमेंट में गिवन है 40 to 44। यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे क्लास लिमिट्स, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्रीज यानी कि CB। क्लास लिमिट स्टार्ट करेंगे, बुक पे गिवन है जो स्टार्टिंग क्लास हमने लेनी है वो है 40 to 44। अब यहाँ पे इंटरवल है 5 का, यानी कि 40, 41, 42, 43, 44, क्लास इंटरवल है 5। अब यहाँ पे नेक्स्ट 44 से नेक्स्ट राइट करेंगे 45, 45 से नेक्स्ट आपने 5 का क्लास इंटरवल लेना है 45, 46, 47, 48, 49। यहाँ पे नेक्स्ट आएगा 49, 5-5 का आपने क्लास इंटरवल इंक्लूड करते जाना है। नेक्स्ट नंबर राइट करेंगे 50, 5 का क्लास इंटरवल लेंगे 50, 51, 52, 53, 54। यहाँ पे राइट करेंगे 54। नेक्स्ट नंबर यहाँ पे राइट करेंगे 55, 55 में आपने 5 को इंक्लूड करते हुए यहाँ पे 5th नंबर तक जो वैल्यू आएगी राइट करेंगे 59। नेक्स्ट नंबर राइट करेंगे 60, 60 से स्टार्ट करते हुए 60, 61, 62, 63, 64। यहाँ पे 5 का क्लास इंटरवल लेते हुए वैल्यू आएगी 64। नेक्स्ट है नंबर 65, क्लास इंटरवल 5 लेते हुए यहाँ पे वैल्यू आएगी 69। अब यहाँ पे नेक्स्ट राइट करेंगे 70, 70, 71, 72, 73, 74। यहाँ पे नेक्स्ट है 5 का क्लास इंटरवल लेते हुए नेक्स्ट वैल्यू आएगी 74। नेक्स्ट है 75, 75 में 5 का क्लास इंटरवल लेते हुए यहाँ पे वैल्यू आएगी 79। नेक्स्ट है 80, 80 में आपने 5 का क्लास इंटरवल इंक्लूड करना है, 80 से स्टार्ट करेंगे वैल्यू आएगी 84। नेक्स्ट वैल्यू है यहाँ पे 85, 85 को आपने शामिल करते हुए 5 नंबर तक काउंट करना है तो वैल्यू आएगी 89। नेक्स्ट है यहाँ पे राइट करेंगे 90, 90 से स्टार्ट करेंगे 5 का क्लास इंटरवल लेते हुए यहाँ पे वैल्यू आएगी 94। नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे 95, 95 से आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 5 का क्लास इंटरवल लेते हुए वैल्यू आएगी 99। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल है 5, 5। अब यहाँ पे देखें जो लार्जेस्ट वैल्यू थी वो है 98, तो आपने 98 तक ये क्लासेस राइट करनी है। यहाँ पे टोटल क्लासेस हैं, अब यहाँ पे क्लासेस हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। लार्जेस्ट वैल्यू है 98 जो कि 95 और 99 के दरमियान आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का जितना भी डाटा था इसको अरेंज करके सीक्वेंस वाइज यहाँ पे राइट किया है, इसकी हेल्प से यहाँ पे टैली करेंगे। यहाँ पे हमने 40 से 44 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं
उनको यहाँ पे देखना है और उतनी लाइंस यहाँ पे राइट करेंगे। यहाँ पे 40 और 44 के दरमियान नंबर्स देखेंगे, तो यहाँ पे जस्ट वन नंबर है तो वन लाइन ड्रा करेंगे, फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे वन। 45 से लेके 49 तक यहाँ पे नंबर देखेंगे वन, अब यहाँ पे जस्ट वन नंबर है तो वन लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे वन। 50 से लेके 54 तक यहाँ पे नंबर देखेंगे वन, अब यहाँ पे भी जस्ट वन नंबर है तो यहाँ पे वन लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ पे वन राइट करेंगे फ्रीक्वेंसी में। 55 से लेके 59 तक यहाँ पे नंबर्स देखेंगे, अब यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे ज़ीरो। 60 से लेके 64 तक यहाँ पे नंबर देखेंगे वन टू, यहाँ पे टू नंबर्स हैं, टू लाइन्स ड्रा करेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे टू। 65 से लेके 69 तक यहाँ पे नंबर देखेंगे वन टू थ्री, अब यहाँ पे थ्री लाइन्स ड्रा करेंगे वन टू थ्री और फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे थ्री। 70 से लेके 74 तक यहाँ पे नंबर देखेंगे वन टू, अब यहाँ पे टू नंबर्स हैं, टू लाइन्स ड्रा करेंगे और फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे टू। 75 से लेके 79 तक यहाँ पे नंबर्स देखेंगे, यहाँ पे नंबर्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, यहाँ पे 10 लाइन्स ड्रा करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे 10। 80 से लेके 84 तक यहाँ पे नंबर्स देखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, अब यहाँ पे एट नंबर्स हैं तो यहाँ पे एट लाइन्स ड्रा करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे एट। 85 से लेके 89 तक यहाँ पे नंबर्स देखेंगे वन टू थ्री फोर, अब यहाँ पे फोर लाइन्स ड्रा करेंगे, फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे फोर। 90 से लेके 94 तक यहाँ पे नंबर्स देखेंगे वन टू थ्री, अब यहाँ पे थ्री लाइन्स ड्रा करेंगे, फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे थ्री। 95 से लेके 99 तक यहाँ पे नंबर्स देखेंगे, जस्ट वन नंबर है, वन लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ पे राइट करेंगे वन। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल फाइंड आउट करेंगे, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल फाइंड आउट कर लिया 36। यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे वन, अब यहाँ से राइट करेंगे वन और यहाँ से राइट करेंगे वन, वन में वन ऐड करेंगे टू, आपने हमेशा ऊपर वाली वैल्यू को ऐड करना है। यहाँ से राइट करेंगे वन, वन में ऐड करेंगे टू, वैल्यू आएगी थ्री, यहाँ से राइट करेंगे ज़ीरो, ज़ीरो में ऐड करेंगे थ्री, वैल्यू आएगी थ्री, यहाँ से राइट करेंगे टू, टू में ऐड करेंगे थ्री, वैल्यू आएगी फाइव, यहाँ से राइट करेंगे थ्री, थ्री में ऐड करेंगे फाइव एट, यहाँ से राइट करेंगे टू, टू में ऐड करेंगे एट टेन, यहाँ से राइट करेंगे टेन, टेन में ऐड करेंगे टेन ट्वेंटी, यहाँ से राइट करेंगे एट, एट में ऐड करेंगे ट्वेंटी ट्वेंटी एट, यहाँ से राइट करेंगे फोर, फोर में ऐड करेंगे ट्वेंटी एट थर्टी टू, यहाँ से राइट करेंगे थ्री, इसमें ऐड करेंगे थर्टी टू थर्टी फाइव, यहाँ से राइट करेंगे वन, ऐड करेंगे 35, 36। अब यहाँ पे देखें बुक पे जो डाटा गिवन था उसकी टोटल तादाद थी 36, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 36 और यहाँ पे एंड पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई है 36। तो यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे हमने सीबी यानी कि क्लास बाउंड्री राइट करनी है। क्लास बाउंड्री राइट करने के लिए क्लास लिमिट को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे 40 में से आपने 0.5 को माइनस करना है तो वैल्यू आएगी 39.5। 40 में से 0.5 को माइनस करेंगे और 44 में ऐड करेंगे, 44 में 0.5 ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 44.5। 45 में से 0.5 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 44.5। 49 में 0.5 ऐड करेंगे 49.5। 50 में से 0.5 माइनस करेंगे 49.5। 54 में 0.5 ऐड करेंगे 54.5। 55 में से 0.5 माइनस करेंगे 54.5। 59 में 0.5 ऐड करेंगे 59.5।
अब यहाँ पे लेफ्ट साइड वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं इसमें से 0.5 माइनस करेंगे और राइट साइड वाली जितनी भी वैल्यूज़ है इसमें 0.5 ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू आएगी 60 में से 0.5 माइनस करेंगे 59.5, 64 में ऐड करेंगे 64.5, इसमें से माइनस करेंगे 64.5, इसमें ऐड करेंगे 69.5। अब यहाँ से नेक्स्ट वैल्यू आएगी 69.5, 74.5, यहाँ से वैल्यू आएगी 74.5, 79.5। 80 में से 0.5 माइनस करेंगे 79.5, 84 में ऐड करेंगे 84.5, 85 में से माइनस करेंगे 84.5, 89 में ऐड करेंगे 89.5, 90 में से माइनस करेंगे 89.5, 94 में ऐड करेंगे 94.5, 95 में से माइनस करेंगे 94.5, 99 में ऐड करेंगे 99.5। इस तरह आपने क्लास बाउंड्री राइट करनी है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 36 और CF का यहाँ पे लास्ट पे वैल्यू है 36। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग 1 to 10 एज द स्टार्टिंग क्लास, लिस्ट द क्लास बाउंड्रीज। क्वेश्चन नंबर 4 में फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कंस्ट्रक्ट करेंगे, स्टार्टिंग क्लास यूज़ करेंगे 1 to 10। यहाँ पे हमने एट द एंड क्लास बाउंड्री भी राइट करनी है। इस डाटा को यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में स्मॉलेस्ट वैल्यू है 5, लार्जेस्ट वैल्यू है 67। यहाँ पे स्टार्टिंग क्लास दी हुई है 1 to 10। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन, स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे, स्टेटमेंट में गिवन है, वैल्यू है 5, लार्जेस्ट वैल्यू है 67, क्लास साइज गिवन है 1 to 10। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे क्लास लिमिट्स, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्रीज। क्लास लिमिट स्टेटमेंट में बताया हुआ है, स्टार्टिंग क्लास लेंगे 1 to 10। अब यहाँ पे ये 10-10 का क्लास इंटरवल है, यहाँ पे 10 से नेक्स्ट है 11, 11 से स्टार्ट करेंगे 10 का क्लास इंटरवल लेते हुए, यहाँ पे वैल्यू आएगी 20, यहाँ पे नेक्स्ट है 21, 10 का क्लास इंटरवल लेते हुए वैल्यू आएगी 30, नेक्स्ट राइट करेंगे 31, 10 का क्लास इंटरवल लेंगे तो वैल्यू आएगी 40 से नेक्स्ट वैल्यू है 41, जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो है 67। तो यहाँ पे जो क्लासेस हैं वो 67 तक आपने राइट करनी है। यहाँ पे 41 क्लास इंटरवल लेंगे 10 का तो वैल्यू आएगी 50, नेक्स्ट वैल्यू है 51, 51 क्लास इंटरवल लेंगे 10 का तो वैल्यू आएगी 60 से नेक्स्ट है 61। अब यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू है 67, तो यहाँ पे ये 61 और यहाँ पे 10 का क्लास इंटरवल लेते हुए वैल्यू आएगी 70। 61 और 70 के दरमियान वैल्यू आएगी 67, लार्जेस्ट वैल्यू है 67। तो यहाँ पे क्लासेस हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टैली मार्क्स करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 का जितना भी डाटा था उसको मैंने अरेंज करके सीक्वेंस वाइज यहाँ पे राइट किया है ताकि क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पे 1 से लेके 10 तक नंबर फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे जस्ट 1 नंबर है। टैली मार्क्स में 1 लाइन ड्रा करेंगे, फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे 1। 11 से 20 तक नंबर फाइंड आउट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 लाइन्स ड्रा करेंगे और फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे 5। 30 तक यहाँ पे नंबर फाइंड आउट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे 8 लाइन्स ड्रा करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे 8। 31 से लेके 40 तक यहाँ पे नंबर फाइंड आउट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो यहाँ पे 15 लाइन्स ड्रा करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे 15। 41 से लेके 50 तक
यहाँ पे नंबर्स फाइंड आउट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब यहाँ पे 11 लाइन्स ड्रा करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे 11। 51 से लेके 60 तक यहाँ पे नंबर्स फाइंड आउट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पे 7 लाइन्स ड्रा करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे 7। 61 से लेके 70 तक यहाँ पे नंबर्स फाइंड आउट करेंगे, 1, 2, 3। अब यहाँ पे 3 लाइन्स ड्रा करेंगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे 3। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल फाइंड आउट करेंगे, फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे टोटल है 50। यहाँ पे राइट करेंगे CF, यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे 1। अब यहाँ से राइट करेंगे 5, 5 में ऐड करेंगे 1। यहाँ से आपने ऊपर वाली वैल्यू को ऐड करते जाना है, वैल्यू आएगी 6। यहाँ से राइट करेंगे 8, 8 में 6 ऐड करेंगे, वैल्यू आएगी 14। यहाँ से राइट करेंगे 15, 15 में 14 ऐड करेंगे, वैल्यू आएगी 29। यहाँ से राइट करेंगे 11, 11 में 29 ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 40। यहाँ से राइट करेंगे 7, 7 में 40 ऐड करेंगे, वैल्यू आएगी 47। यहाँ से राइट करेंगे 3, 3 में ऐड करेंगे 47, वैल्यू आएगी 50। अब यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी भी 50 है, यहाँ पे CF का एट द एंड वैल्यू है 50। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे CB राइट करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे 0.5, 10 में ऐड करेंगे 0.5, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0.5। 1 में से जब 0.5 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.5, 10 में ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 10.5, 11 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 10.5, 20 में ऐड करेंगे 20.5, 21 में से माइनस करेंगे 0.5, 20.5, 30 में ऐड करेंगे 30.5, 31 में से माइनस करेंगे 30.5, 40 में ऐड करेंगे 40.5, 41 में से माइनस करेंगे 40.5, 50 में ऐड करेंगे 50.5, 51 में से माइनस करेंगे 50.5, 60 में ऐड करेंगे 60.5, 61 में से माइनस करेंगे 60.5, 70 में ऐड करेंगे 70.5। इस तरह से फ्रीक्वेंसी राइट करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह से राइट करेंगे, क्लास बाउंड्री इस तरह से राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ तक ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ डेज डेट 36 टूरिस्ट स्टेड इन हुंजा वैली। हुंजा वैली में, हुंजा वादी में 36 सियाहों के क्याम के दिनों की तादाद नीचे दी गई है। यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। स्टार्टिंग क्लास गिवन है 1 to 7, आल्सो लिस्ट द क्लास बाउंड्रीज। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है 1 और लार्जेस्ट वैल्यू है 64। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन, लार्जेस्ट वैल्यू स्टेटमेंट में गिवन है 64, स्मॉलेस्ट वैल्यू स्टेटमेंट में गिवन है 1। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे क्लास लिमिट्स, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्रीज। यहाँ पे स्टार्टिंग क्लास गिवन है 1 to 7। क्लास लिमिट में यहाँ पे स्टार्टिंग क्लास स्टेटमेंट में गिवन है 1 to 7 राइट करेंगे। यहाँ पे क्लास इंटरवल है 7। यहाँ पे नेक्स्ट राइट करेंगे 8, 8 से स्टार्ट करते हुए 7 नंबर तक काउंट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे राइट करेंगे 14। यहाँ पे क्लास इंटरवल लेंगे 7 का। अब यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू है 15, 15 से स्टार्ट करेंगे 7 नंबर तक काउंट करते हुए यहाँ पे वैल्यू राइट करेंगे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो यहाँ पे राइट करेंगे 21। नेक्स्ट नंबर यहाँ पे राइट करेंगे 22, 22 को स्टार्ट करते हुए 22 से आपने स्टार्ट करना है तो 7 नंबर तक आप काउंट करते जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू आएगी 28। नेक्स्ट नंबर है 29, 7 क्लास इंटरवल लेते हुए यहाँ पे वैल्यू आएगी 35। नेक्स्ट है 36, 7 का क्लास इंटरवल लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 42। नेक्स्ट है 43, 7 का क्लास इंटरवल लेते हुए यहाँ पे वैल्यू आएगी 49।
अब यहाँ पे नेक्स्ट है जो हाईएस्ट वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू है, वो है 64। तो 64 तक आपने ये क्लासेस राइट करते जाना है जहाँ तक आपका 64 आए। यहाँ पे नेक्स्ट है 50, क्लास इंटरवल 7 लेते हुए यहाँ पे नेक्स्ट नंबर आएगा 56। नेक्स्ट है 57, क्लास इंटरवल लेंगे 7 का तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू आएगी 63। अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर आएगा 64, क्लास इंटरवल 7 का लेते हुए यहाँ पे वैल्यू आएगा 70। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल 7 लेते हुए नेक्स्ट वैल्यू आएगी 70। लार्जेस्ट वैल्यू थी 64, तो आपने 64 तक क्लासेस को राइट करते जाना है। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट है लास्ट पे 64। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 के डाटा को अरेंज करके सीक्वेंस वाइज राइट किया है। यहाँ पे टैली मार्क्स करेंगे, यहाँ पे नंबर फाइंड आउट करेंगे और लाइंस ड्रा करेंगे। 1 से लेके 7 तक यहाँ पे नंबर देखेंगे, यहाँ पे नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे 10 नंबर्स हैं, टैली मार्क्स में 10 लाइंस ड्रा करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे 10। 8 से 14 तक नंबर यहाँ पे देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे 10 लाइंस ड्रा करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे 10। 15 से 21 तक यहाँ पे नंबर्स फाइंड आउट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पे 8 लाइंस ड्रा करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे 8। 22 से लेकर 28 तक यहाँ पे नंबर्स फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे 1 लाइंस ड्रा करेंगे, फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे 1। 29 से 35 तक नंबर फाइंड आउट करेंगे, 1, 2, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, 2 लाइंस ड्रा करेंगे, फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे 2। 36 से लेके 42 तक यहाँ पे नंबर्स फाइंड आउट करेंगे, 1, 2। अब यहाँ पे 2 लाइंस ड्रा करेंगे और यहाँ पे राइट करेंगे फ्रीक्वेंसी में 2। 43 से लेके 49 तक यहाँ पे नंबर्स फाइंड आउट करेंगे, 1, 2, यहाँ पे 2 लाइंस ड्रा करेंगे, फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे 2। 50 से लेके 56 तक यहाँ पे नंबर कोई भी नहीं है तो यहाँ पे राइट करेंगे फ्रीक्वेंसी में 0। 57 से लेके 63 तक यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे 0। 64 से लेके 70 तक अब यहाँ पे जस्ट 1 नंबर है 64, यहाँ पे 1 लाइन ड्रा करेंगे, फ्रीक्वेंसी में राइट करेंगे 1। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल है 36। CF यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ से राइट करेंगे 10। अब यहाँ से राइट करेंगे 10, 10 में 10 ऐड करेंगे, वैल्यू आएगी 20। यहाँ से राइट करेंगे 8, 8 में 20 ऐड करेंगे, वैल्यू आएगी 28। यहाँ से राइट करेंगे 1, 1 में 28 ऐड करेंगे, 29। यहाँ से राइट करेंगे 2, 2 में ऐड करेंगे 29, वैल्यू आएगी 31। यहाँ से राइट करेंगे 2, 2 में ऐड करेंगे 31, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 33। यहाँ से राइट करेंगे 2, 2 में ऐड करेंगे 33, वैल्यू आएगी 35। यहाँ से राइट करेंगे 0, 0 में ऐड करेंगे 35, वैल्यू आएगी 35। अब यहाँ से राइट करेंगे 0, 0 में ऐड करेंगे 35, वैल्यू आएगी 35। अब यहाँ से राइट करेंगे 1, 1 में ऐड करेंगे 35, वैल्यू आएगी 36। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो डाटा की तादाद थी वो थी 36, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल है 36 और एट द एंड CF यहाँ पे वैल्यू आई है 36। इट्स मीन क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व हो गया है यहाँ तक। अब यहाँ पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लास बाउंड्री राइट करेंगे। 1 में से हमने माइनस करना है 0.5, 0.5, 7 में ऐड करेंगे 0.5, 7.5, 8 में से माइनस करेंगे 0.5, 7.5, 14 में ऐड करेंगे 14.5, 15 में से माइनस करेंगे 14.5, 21 में ऐड करेंगे 21.5, 22 में से माइनस करेंगे 21.5, 28 में ऐड करेंगे 28.5, 29 में से माइनस करेंगे 28.5, 35 में ऐड करेंगे 35.5, 36 में से माइनस करेंगे 0.5, 35.5, 42 में ऐड करेंगे 42.5,
43 में से माइनस करेंगे 42.5, 49 में 0.5 ऐड करेंगे 49.5, 50 में से माइनस करेंगे 0.5, 49.5, 56 में ऐड करेंगे 56.5, 57 में से माइनस करेंगे 56.5, 63 में ऐड करेंगे 63.5, 64 में से माइनस करेंगे 0.5, 63.5, 70 में ऐड करेंगे 70.5। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे।